हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल वृंदनगी ब्लॉग्स में। और आज हम जा रहे हैं बंडू, बाकी चौथे दिन होली का बताया। होली में क्या आपका प्लान है? हैप्पी होली, हैप्पी होली का प्लानिंग है। होली के साथ होली खेलेंगे, हाँ जी सर, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कल होली में भी बजाएंगे आप? होली में नहीं बजाएंगे। नहीं बजाएंगे। लेखराज है, काफी शर्मीले हैं, इनोसेंट बॉय। लेखराज क्या मतलब, कल होली भी है, थोड़ा सस्पेंस है, क्या बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे दीप्ते के साथ? होली मनाएंगे प्रभु के साथ ही, मिलान बनाएंगे इस बार। कोशिश हमारी कम ही रहेगी क्योंकि ड्रेस खराब हो सकती है हमारी। नहीं है, चल पड़ेगा बराबर। देखिए प्रभु काफी खूबसूरत लग रहे हैं हमसे ज्यादा ही। साथ में एक गाड़ी जा रही है हमारे, कपड़े की जा रही है। पुराने कपड़े जाएंगे। अच्छा अच्छा, पूरा करेंगे मतलब ब्लॉग में आएंगे सब कुछ। भाई जी कैसे आप? बढ़िया हूँ मैं, भेजा नहीं आपने मेरे को? बस भेजेंगे अभी, और ठीक है। बुजुर्गों की झलकें देखिए, अभी अभी मंडी शिवरात्रि देखे आए हैं। बोला तू अब दोर आ रहा है? आज दोबारा से प्रभु के साथ जाने का मौका मिल रहा है। कैसा लग रहा है जीव जी आप? लगातार बहुत अच्छा लग रहा है। माल के साथ चले हुए, बहुत अच्छा चला। ये कम से कम तीसरा टूर है आपका? ये तीसरा चौथा टूर है ये, मतलब कुछ ही दिनों में। हम तो लगातार एक महीना से प्रभु की सेवा में है, महाराज की सेवा में है, और आनंद है। बिल्कुल घर में काम भी चला हुआ। देवली भी मिलाते हैं आपको। हाँ जी, आप बोलिए। हाँ जी, क्या बोलिए? नमस्कार जी, आपका क्या? ये हमारे बाबीना जी के मंडारी है। हाँ जी, हाँ जी। और इनसे देवी देवताओं के बारे में अगर पूछा जाए तो बहुत नॉलेज है इनको। और आज जा रहे हैं पंडो जा रहे हैं। तो कैसी तैयारी है आपकी? कल होली भी है? कल होली भी है तो हो भी मनाई जाएगी पंडो में ही। पंडो में ही? हाँ। तो ड्रेस खराब नहीं हो जाएगा? उसके बाद क्या करना, बाबा जी के साथ चले हुए फिर। अब होली भी तो हम काफी इसके अच्छा प्लान है। हाँ जी, हाँ जी, चलो ठीक है, मिलते हैं आपसे। धन्यवाद जी। और हम बियानी से अब निकल चुके हैं पंडो की ओर। अब हम आपको दिखाते रहेंगे बीच में, काफी अच्छे व्यू दिखाते रहेंगे आपको बीच में। ये हमारे साथ कौन कौन है देखिए, हल्का सा आपको हम दिखाते हैं। बाबीनाथ जी जा रहे हैं गाड़ी में, क्योंकि पंडो पहुंचना है तो गाड़ी में जाना पड़ा है। ये हमारे पुजारी प्रभु के, और मंडारी सुनील और दिनेश भाई जी जो कि प्रभु जी के मंडारी। और इस साइड भी कुछ हमारे हैं ब्लॉग में आने के इच्छुक है। ये मंडारी जी है, भाई जी है, रवि नेगी। ये है देखिए कमेश्वर नेगी। प्रभु का काफिला पहुंच चुका है नीर भाई पनारसा। ये देखिए, और ये स्नोर वैली का खूबसूरत दृश्य है देखिए। बादल इस समय काफी खूबसूरत, बादलों के पीछे सूर्य देवता आपको नजर आ रहे हैं। ये है बनारसा सिटी कह सकते हैं हम। फोर लाइन के बाद काफी चेंज हमें देखने को मिला है कुछ ही टाइम बाद। देखिए काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स यहाँ पे बनी हुई है। देखिए दोस्तों, हिमाचल की खूबसूरती किस तरह पहाड़ आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे, पीक माउंटेन। ये देखिए किस तरह के फ्लाईओवर यहाँ पे बने हुए हैं। और कब से सबसे ब्यूटीफुल प्लेस, और जब बारिश ज्यादा होती है जो नदी का जो भाव ज्यादा होता है तो यहाँ पर इस पॉइंट पे पानी ऊपर आ जाता है रोड पे। तो आप देख सकते हैं काफी खूबसूरत जगह है हमारे हिमाचल में, स्पेशली कुल्लू मनाली इस स्पॉट पे। देखिए टूरिस्ट यहाँ पे फोटोशूट के लिए नदी के नजदीक है, और यही कारण रहता है जब भी जो दुर्घटनाएं होती हैं। बट आजकल के टाइम पे तो खैर पानी का भाव कम है। और ये देखिए नेचुरल वाटरफॉल जो कि काफी ज्यादा है हमारे यहाँ पे भी, पर वन ऑफ द वन। ये देखिए उनमें से एक खूबसूरत
खूबसूरत स्पिरिचुअल प्लेस यहाँ पे अनोखी में, माँ अनोखी माता जी का मंदिर यहाँ देखिए, वहाँ भी है, नदी क्रॉस करके जाना पड़ता है यहाँ से, और यहाँ पे झूला भी है, बाय बोट भी जा सकते हैं, और ये मंदिर भी आपको ऑन रोड मिलेगा, काफ़ी खूबसूरत मंदिर है। देखिए बारिश के जब भी कुल्लू मनाली आएंगे तो और से बिल्कुल 5 किलोमीटर आगे अनोखी पड़ता है। देखिए यहाँ पे माँ अनोखी माता जी के दर्शन आपको इस तरह से करवाने मुश्किल है, बट आप जब आएंगे यहाँ पे आप कर सकते हैं। ये देखिए खूबसूरत ब्रिज यहाँ पे, और ये देखिए सराज वैली को कनेक्ट करता हुआ ये ब्रिज। पंडू डैम के पास हम पहुंचने वाले हैं, और ये प्लेस भी टूरिस्ट का पसंदीदा, टूरिस्ट का काफी पसंद करते हैं इस प्लेस को भी, यहाँ पे भी काफी टूरिस्ट आते हैं फोटो शूट वगैरह।